नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन, जहां पर आपका जो डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं, जो जो नई चीज़ें बन रही है, वो सब आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर देखिए, तो आपको जो स्टेशन को नया स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये देखिए, हम लोग आपका ये स्टेशन के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ पर देखिए वाराणसी सिटी ये लिखा हुआ है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। और आपको बता दें कि इधर आप वाराणसी में एंट्री कर जाइएगा। और ये देखिए, आपको ये पूरा प्लेटफॉर्म मैं दिखा रहा हूँ। आपको बता दें कि जो गाड़ियाँ आपका वाराणसी जंक्शन से फिर वाराणसी सिटी और सारनाथ होते हुए गाजीपुर साइड जाती है, तो उसका ये रूट है, आपको मैं बता दूँ। और ये देखिए, इधर से आपका ये रोड है, बाहर वाला जो मेन रोड है वाराणसी शहर में एंट्री करने के लिए। ये देख रहे हैं, यहाँ पर शौचालय का ये निर्माण हुआ है, ये देखिए। और आपका जो स्टेशन पे जो शेड लगे हुए थे, उसको थोड़ा और इधर तक लेकर आया जा रहा है। बाकी आप देखिए किस तरह से बेंच लगाए गए हैं, ग्रीनरी लगाई जा रही है, मतलब पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। ये देखिए स्टेशन परिसर ही मान के चले इसे, और ऊपर देखिए पूरा छाया गया है। तो पहले ये स्टेशन काफ़ी छोटा था, तो इसको भी बड़ा किया जा रहा है। और वाराणसी के देखिए तो आपका कुल 4 से 5 स्टेशन हो गए मुख्य। जैसे आपका एक मेन वाराणसी जंक्शन हो गया, एक बनारस, एक ये वाराणसी सिटी, फिर काशी है। तो इस तरह से आपको स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, जिससे आपका जो मेन स्टेशन है उस पर 10 से दबाव कम हुआ जा सके। ये देखिए आपका यहाँ पर ये एस्केलेटर का ये काम चल रहा है, यहाँ पर ये कार्य प्रगति पे है। ये देखिए इधर, और इसी के जस्ट सामने आपका जो रेल कोच रेस्टोरेंट है, इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो आपको वाराणसी के तीनों स्टेशनों पर रेल कोच रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, उस पर आप जाकर भोजन का आनंद ले सकते हैं। ये देखिए सीढ़ी और साइन बोर्ड लगे हुए हैं, तो उस पार जाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आगे 5 तक ये सीढ़ी का आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम नीचे चलते हैं और स्टेशन परिसर में आपको घूम के दिखाते हैं क्या क्या काम है। ये देखिए, यहाँ पर आपका ये वातानुकूलित वेटिंग रूम है, ये वेटिंग रूम है एसी वाला। और उसी के बगल में आपका ये देखिए रिफ्रेशमेंट रूम, तो खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और ये देखिए उसका रेट लिखा हुआ है, जनता खाना भी यहाँ पर उपलब्ध है आपका, वेज बिरयानी, छोला भटूरा, और सबका रेट लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ से आप देखिए ये बाहर निकलने का भी एक रास्ता है, देख रहे हैं स्टेशन परिसर कितना साफ़ सुथरा है। और जगह जगह पर आपको डस्टबिन रखे गए हैं, एक स्टेशन एक उत्पाद, इसके तहत देखिए यहाँ पर ये बनाया गया है। और ये देखिए कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया गया, भगवान बुद्ध हैं वो। स्टेशन एकदम साफ़ सुथरा आपको दिख रहा होगा, तो यात्री लोगों की जिम्मेवारी है कि फिर इसको इसी तरह से साफ़ सुथरा बनाए रखें। और योगी जी ने आपको ये निकाला, जैसे हर स्टेशन जितने हैं उसके एक प्रमुख जो उत्पाद है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और आप ये देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है, ब्यूटीफुल। तो आपको वाराणसी के हर स्टेशन पर इस तरह की आपको चित्रकारी और ये कलाकारी आपको देखने को मिलेगी। देखिए भगवान शंकर जी को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है नंदी जी के साथ। चलिए आपको बाहर निकलते हैं और बाहर के नज़ारे आपको दिखाते हैं। और सामने आपको रेल का वो इंजन दिख रहा होगा, वो भी आकर्षण का केंद्र, लोग वहाँ पर सेल्फी वेल्फी लेते हैं। और सुबह सुबह के टाइम देखिए भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, और स्टेशन परिसर आपको एकदम साफ़ सुथरा नज़र आ रहा होगा। इधर से देखिए व्यू, ये देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है। और रेल के रेस्टोरेंट है उधर, चलिए आपको इधर ले चलते हैं और आपको और जो काम हो रखे हैं वो दिखाते हैं। ये देख रहे हैं पूरा परिसर, ये पाथवे बनाया गया है लोगों को चलने के लिए, और सामने एग्जिट गेट है। और यहीं पर आपका बगल में देखिए तो टिकट काउंटर था, उसका एक अब नया बिल्डिंग बन रहा है। ये देखिए सामने यहाँ पर जो दिख रहा है ना, सीमेंटेड किया गया है यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ तक था ये पुराना वाला जो अनारक्षित टिकट ये काउंटर, उसको तोड़ करके पीछे वो नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। काफ़ी
काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। जब खुलेगा तो दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर से देखिए, पीछे से मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से ये बना हुआ है। देख रहे कितना सुंदर दृश्य। और इधर आपका रेलवे कॉलोनी है मान के चलिए, तो इधर आपका ये देखिए मलबा वलबा फेंका हुआ है। और यहीं बगल में आप देखिए तो ये पार्किंग बनाई गई है, तो इसको भी ढलाई कर दिया गया है। तो हर स्टेशन पर पार्किंग होना चाहिए जिससे आपका जो जाम वाम की स्थिति ना पैदा हो। और ये निर्माण तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस स्टेशन पर कभी आए हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज की अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।